गरीब कल्याण सम्मेलन का मंगलवार को जिला ऊना के कृषि विज्ञान केंद्र रामपुर तथा ISVT ऊना में LED के माध्यम से लाइव प्रसारण किया गया। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया तथा PM किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त जारी की। वहीं ऊना में जिला स्तरीय कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में वीरेंद्र कंवर ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं ने गरीब एवं वंचित परिवारों को राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने न सिर्फ नई योजनाएं बनाई है बल्कि उनका लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े तक व्यक्ति तक पहुंचाने का ईमानदारी के साथ प्रयास किया है। कंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2018 से अब तक कुल 7,540 परिवारों को मकान बनाने को आर्थिक मदद प्रदान की गई है, जिसमें से 2,529 घर बनने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और बाकी पर कार्य चल रहा है। धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने फिर से 10 करोड़ लोगों को 11वीं किस्त जो है वो आज शिमला के रिज मैदान से जारी की और जो 8 वर्ष जो सरकार की एक सफलता रही है समाज के अंतिम पायदान तक जो व्यक्ति है उसके लिए अंत्योदय भावना के साथ काम करने की भी है। आज जो है वो देश को अपने प्रधानमंत्री जी का संबोधन करा और ये हमारे लिए गौरव का विषय है क्योंकि 8 वर्ष का ये जो सभी कार्यक्रम है सरकार का इसको मिशन जो है हिमाचल प्रदेश के लिए बताया। उसमें पीने के पानी की इस देश के अंदर प्रदेश के अंदर पहली बार किसी ने चिंता की थी तो वो हमारी जनता पार्टी की सरकार ने की थी। काम के बदले अनाज योजना है उसमें चली थी और फिर जब फिर से हमारी सरकार 1992 में इस देश के अंदर आई तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंत्योदय योजना यानी कि अन्न योजना पहली बार इस देश के अंदर शुरू की थी और वो उसमें 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 10 पैसे नमक के रूप में जो था वो देना शुरू किया। उसमें अब जो थे वो प्रदेश के अंदर लगाए गए थे और फिर जब 1998 में धूमल जी की सरकार प्रदेश के अंदर आई तो धूमल जी ने इन योजना को आगे बढ़ाते हुए जहाँ प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत गांव-गांव के अंदर सड़कें बनाई गई, इस देश के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से छात्रवृत्ति योजना गरीब बच्चों के लिए देने का काम शुरू हुआ, इस देश के अंदर सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए बाबा उसमें विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना का काम शुरू। नरेंद्र मोदी जी का नाम चला कि 12 वर्षों से एक व्यक्ति ने गुजरात में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और वहां की जनता के लिए गांव के छोटे से व्यक्ति से शुरू होकर के प्रदेश के क्षेत्रों लोगों के लिए उन्होंने योजना गुजरात के लिए बनाई। उन योजनाओं का प्रभाव रहा कि नरेंद्र मोदी जी लगातार 3 बार वहां पर मुख्यमंत्री बने और 12 वर्षों तक रहे और आज भी उसी कारण भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट पिछले 25 वर्षों से गुजरात के अंदर चल रही है नरेंद्र मोदी जी के कामों के कारण। और उस व्यक्ति के ऊपर लोगों की नजर पड़ी, लोगों ने इच्छा व्यक्त की, लोगों ने कहा सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, एडिटोरियल के माध्यम से लोगों ने निर्णय लिया कि इस देश के अंदर उस व्यक्ति को उठाकर के देश की गद्दी के ऊपर बिठाना चाहिए। और बहनों, भाइयों और आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला। पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देश के प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किया और जिस समय चुनाव हुए तो 30 सालों के बाद आप सब लोगों ने 2014 में 272 सीटें देकर के पहली बार 30 सालों के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार हिंदुस्तान के अंदर बनाई और आप लोगों ने चारों के चारों सीटें हिमाचल प्रदेश की नरेंद्र मोदी जी को दी और नरेंद्र मोदी जी ने उन 5 वर्षों में जो काम किए, फिर जब दोबारा से 2017 के चुनाव आए, 2019 के चुनाव आए तो 2019 में फिर नरेंद्र मोदी जी ने अपने कामों के ऊपर वोट मांगा। ये हिंदुस्तान के अंदर पहली बार हुआ ये काम के कारण वोट किसी व्यक्ति को मिला और व्यक्ति पहले से 11 सीटें लेकर के 303 लोकसभा की सीटें लेकर के नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। हिमाचल की शिमला का भी नरेंद्र मोदी को बनाया गया है
और वहां पर लोग आपके सामने हैं जैसे आप लोग बैठे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी वहां पर रोड शो करते हुए सीटीओ चौक से लक्ष्मी वाली एक पार्क है, वहां से होते हुए मार रोड के ऊपर आएंगे, रिज मैदान के ऊपर आएंगे और हम सब लोग उनके विचार का धन्यवाद करता हूँ। ऊना से जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा की रिपोर्ट।